अल्कोहल में हमारे पास ओएच ग्रुप रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इनको बोलेंगे क्या बेटा, अल्कोहल। ये जितने भी कंपाउंड लिखे हैं सबके सब कौन से फंक्शनल ग्रुप को कंटेन किया हुआ है इन्होंने, अल्कोहल को, ठीक है। पहली बात, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी सभी की। सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या रहेगी, सेम, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट। इनका मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अरे समझ में आ रही, केमिकल प्रॉपर्टी ये तो क्या होता है, पॉइजनस होता है हेल्थ के लिए, और ये तो ड्रिंकेबल है ना, एंड सो ऑन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक तरह से वो होगी, ये डिफरेंट हमारे पास रिएक्ट करता है बॉडी में अगर चले जाएगा तो। फिलहाल फोकस करते हैं हम इस पे। तो जो हमारे पास अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप सेम है होमोलोगस सीरीज में, पहली बात। सेकंड बात यहाँ पे क्या थी कि डिफरेंस आना चाहिए CH2 का। देखते हैं CH2 का डिफरेंस है क्या। देख यहाँ पे सिंगल कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, इसका डिफरेंस है कार्बन का, यस, थ्री हाइड्रोजन, फाइव हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यस। यहाँ पे भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो मिथेनॉल और इथेनॉल एक दूसरे के क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए, एंड सो ऑन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। समझ में आ रहा, तो होमोलोगस सीरीज में इस तरह से रिलेशन हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, म्यूट एवरीवन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन को हम जो है डिटेल में तो केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे, बट फिर भी इसका कुछ पार्ट एक्सेस कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया है, उसके बेसिस पे ना बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे लगेंगे अपने को लगभग 4-5 hours और मोर देन दैट। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इतना सा समझे क्या कि आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे किसी भी कंपाउंड में, और उसके बेसिस पे क्या डिफाइन करेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा तो आइडिया ले लेते फिर भी ना, कि आप सभी को पता है जैसे कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है CH4, हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, CH4। तो यहाँ पे एक बात हमें दिख रही है कि एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन से क्या है, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया, कार्बन ने जब हाइड्रोजन के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने में आप हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है। आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा अभी तक कि बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं ना, जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड तो अभी अभी पता है, इसके अलावा भी अदर बॉन्ड होते हैं जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड सो ऑन। तो कोई भी बॉन्ड हो, जितने भी अभी हमने नेम रिकॉल किए हैं, हमेशा किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्ड का मीनिंग व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पहली बात। अब ये इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे, तो आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं एटम में। एटम में दो पार्ट होते हैं ना, एक तो होता है न्यूक्लियस, एटम में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या अवेलेबल होती है, यूनिट, प्रोटोन एज वेल एज न्यूट्रॉन। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, एटम से, न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लगातार रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं कि ऑर्बिटल बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में भी एक डिफरेंस होता है, ठीक है, फिलहाल छोड़ो। तो हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन से कहाँ पे, ऑर्बिटल्स में, इतनी सी बात समझ में आ रही। मैं क्या बोल रहा था कि कभी भी कोई केमिकल बॉन्ड का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो केमिकल बॉन्ड का मीनिंग क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, ऑर्बिटल में। यानी कि जब कभी भी केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है, सिग्मा हो कि पाए हो, तो वहां पे एक्चुअली में शेयरिंग किसका होता है, ऑर्बिटल्स का। वहां पे क्या होता है, शेयरिंग होता है, ठीक है। अगर ऑर्बिटल का शेयरिंग होता है, अच्छा ऑर्बिटल आपने ये भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या क्या ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एस, पी, डी और एफ, ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं। एस स्फेरिकल शेप में होता है, पी जो है डंबल शेप में होता है, ये है ना। तो जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो
यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल का क्या होता है, शेयरिंग होता है. शेयरिंग से फाइनली जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, शेयरिंग से नए ऑर्बिटल बनते हैं, और उन ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल. उन ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्या बताते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एस और एक पी ऑर्बिटल अगर मिक्स हुआ तो हम क्या बोलेंगे, एसपी ऑर्बिटल वहां पे बनेगा. और अगर एसपी ऑर्बिटल का वहां पे फॉर्मेशन हुआ है तो वहां पे उस कंपाउंड का शेप कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा. उस कंपाउंड का शेप कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा. अब आप एसपी कब बनता है, एसपी टू कब बनता है, एसपी थ्री बनता है, किस तरह से वहां पे ऑर्बिटल का शेयरिंग होता है, वो सब छोड़ो. फिलहाल अपने पास जो बेसिक लेवल पे हमारा टारगेट क्या है कि ऑर्बिट किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसका क्या ट्रिक है, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. इस कार्बन पे फोकस करते हैं. इसने कितने बॉन्ड बना रखे यहाँ पे बेटा, ये सिग्मा. अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में मैं क्या बोला था, एक सिग्मा और दो पाए ना. तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, सिग्मा टू सिग्मा. तो याद रखो, अगर टू सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, एसपी. अगर थ्री सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, एसपी टू. और अगर फोर सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, एसपी थ्री. दैट्स इट. फिलहाल आपके लेवल पे ये काम, इसको सिर्फ मेमोराइज करें. हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, एसपी टू का क्या मीनिंग होता है, डिटेल में पढ़ेंगे अपन. मोर देन 5 आवर्स अपन देंगे इसको ना, तो विद इन 5 मिनट्स तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते इसको. फिलहाल आपके काम की बात क्या है, टू सिग्मा तो एसपी, थ्री सिग्मा तो एसपी टू, फोर सिग्मा तो एसपी थ्री. अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल भी हमने लिया है. इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, टू सिग्मा बॉन्ड बना रखे, वन सिग्मा एंड टू सिग्मा. तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी. इस वाले कार्बन पर अगर फोकस करें तो इसने भी दो सिग्मा बॉन्ड बना रखे, वन सिग्मा एंड वन सिग्मा, टू सिग्मा तो एसपी. अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर कंपाउंड में एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कंपाउंड का जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मतलब समझ रहे हैं, कंपाउंड किस तरह से एग्जिस्ट करेगा. जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है उसका फिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, ठीक है, हैंड में इस तरह से फिंगर्स रहेंगे, तो इनका पर्टिकुलर एक शेप है, एक ज्योमेट्री है. तो अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कंपाउंड का शेप कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा. अगर हमारे पास थ्री सिग्मा होते हैं, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, थ्री सिग्मा वाला BF3 एक कंपाउंड होता है. एक सेकंड, BF3 मेरे पास एक क्या है, कंपाउंड है. बोरोन सेंट्रल एटम है और तीन फ्लोरीन वहां पे कनेक्टेड है, तीन क्या है, फ्लोरीन कनेक्टेड है. तो यहाँ पे देखो, बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बेटा, थ्री ना. तो इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, एसपी टू. इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, एसपी टू. थ्री सिग्मा तो एसपी टू. और अगर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे उस कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर. देख यहाँ पे एक, ये एक एटम है फ्लोरीन, दूसरा एटम है ये वाला फ्लोरीन, ये एटम है तीसरा फ्लोरीन. देख किस तरह से अरेंजमेंट दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, ट्राइगल ट्राइगल जैसा दिख रहा है. और इसी जो बोर्ड में लिखा है ना मैंने, इसी प्लेन में ये एग्जिस्ट करेंगे. जब फोर एटम, सभी फोर एटम इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्लेनर, है ना. और ट्राइंगल तो समझ गए आप, ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है. तो इस कंपाउंड का जो BF3 है, BF3 में थ्री सिग्मा बॉन्ड है, BF3 में थ्री सिग्मा बॉन्ड है. अगर थ्री सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2. हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2. और हाइब्रिडाइजेशन sp2 अगर होता है तो वहां पे शेप क्या होता है, ट्राइगनल प्लेनर. तो ट्राइगनल प्लेनर इस तरह से अपने को देखने को मिलेगा, समझ गया. तो यहाँ पे भी देखो, अभी इस वाले कार्बन पे फोकस करते हैं. इस कार्बन ने देखो, ये सिग्मा, ये सिग्मा और डबल बॉन्ड ना, तो एक सिग्मा और एक पाए, तो कितने सिग्मा हो गए, थ्री. तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2. और उसी तरह से इसका भी क्या है, sp2. ठीक है, यहाँ पे देख, ये भी ट्राइगनल प्लेनर है, दिख रहा है, और ये भी ट्राइगनल प्लेनर है. ट्राइंगल दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, ठीक है. एंड लास्ट, इस वाले कार्बन पे अगर फोकस करें, इसने जो एरो लगा रखा है ना, ये वाला, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे इसने, फोर ना बेटा, वन टू
फोर सिग्मा तो sp3। अगर sp3 होता है तो शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह का शेप रहेगा, इस तरह से, ठीक है, मतलब थ्री इस तरह से और एक यहाँ पे टॉप, ठीक है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे इसने ड्रॉ नहीं किया है टेट्राहेड्रल, ये नॉर्मल इसने बताया, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, चेक कर लेते हैं एक सेकंड। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपका फिलहाल सिर्फ एक बात समझ में आ रही है आपको इस लेवल पे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने। प्लीज एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन। यस सर, गो स्लोली। अच्छा देखो, हाइब्रिडाइजेशन को वापस से समराइज कर रहा हूं मैं। हमारे पास कभी भी जब किसी भी केमिकल, एक सेकंड, जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि इसी को एग्जांपल को लेते हैं ना, जैसे कि BeCl2, मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि जो बेरिलियम है वो दो क्लोरीन से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ना, ये इससे कनेक्ट हुआ और यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हुआ क्लोरीन से, तो ये कनेक्शन बनता कैसे है एटम्स के बीच में? तो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड डिफरेंट तरह के होते हैं, सिग्मा, पाई, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक एंड सो ऑन। तो यहाँ पे उस दो एटम्स के बीच में कनेक्शन को, क्लोरीन और बेरिलियम के बीच में इस कनेक्शन को यहाँ पे क्या बोला हमने? केमिकल बॉन्ड, पहली बात। अब केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, तो हमेशा याद रखेंगे आप कैसे, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के बेसिस पे। डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, तो उस तरह से डिफरेंट तरह के बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि आयनिक बॉन्ड में अलग तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अलग तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, बट मुद्दे की बात क्या है, हर केस में इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहेगा? शेयरिंग रहेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं एटम में? ऑर्बिटल में। एटम में आप सबको पता है, एटम का जो सेंट्रल सेंटर पार्ट है, सेंट्रल रीजन है, उसको क्या बोलते हैं आप? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या एंटिटीज अवेलेबल होती है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो रोटेट करते रहेंगे। जैसे कि एटम में यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में अवेलेबल होते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसका नाम क्या है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिलहाल समझो ऑर्बिटल। अच्छा, ऑर्बिटल भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा शायद से ना, sp, df कुछ ऑर्बिटल होते हैं। s का शेप होता है स्फेरिकल, p का शेप होता है इस तरह से डंबल शेप होता है, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जा रहे, फिलहाल इतनी सी बात समझ कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है। अब वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पर क्या बोल रहे थे हम कि जब बेरिलियम कनेक्ट हुआ है किससे? क्लोरीन से, तो उस कनेक्शन को तो बोलते हैं बॉन्ड, पहली बात ये थी। दूसरा पॉइंट में क्या बोला था? बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे? ऑर्बिटल में। एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं बोल के, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं बोल के मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्बिटल का यहाँ पे क्या हुआ? शेयरिंग हुआ है। तो क्लोरीन का ऑर्बिटल और बेरिलियम का ऑर्बिटल क्या हुआ है? शेयर्ड हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब ऑर्बिटल का शेयरिंग हुआ है तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा, उसी ऑर्बिटल को क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी ऑर्बिटल को क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपने शायद 10th में ये पढ़ा है क्या, जो मेंडल एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें हाइब्रिड उसने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, मेंडल एक्सपेरिमेंट। किसी को आइडिया है? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आपने 10th में। पता है ना, उसमें हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो स्पीसीज को मिला और एक रिजल्टेंट जो थर्ड स्पीसीज मिल दी, उसको क्या बोल रहा था उसने? हाइब्रिड स्पीसीज। यस, तो यहाँ पे भी यस पढ़ा आपने, पूनम, यस। तो यहाँ पे आपने ऑर्बिटल को मिक्स किया है, आपने यहाँ पे क्या किया है? ऑर्बिटल को मिक्स किया है, तो जो रिजल्टेंट आपके क्या मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक बात सिर्फ याद रखें आपको क्या,
हाइब्रिडाइजेशन में क्या बात याद रखें आपको, कि अगर हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा उस कंपाउंड का, एसपी जैसे। और इस हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, फिलहाल आपके लेवल पे इतना सा याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने आपको, ठीक है, 2, 3, 4। अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे, एसपी। अगर 2 सिग्मा तो एसपी, 3 सिग्मा, 3 ना, तो यहाँ पे देख, एक तो एस और 2 पी आ रहे हैं, समझ में आ रही बात, कि तीन को मिक्स किया है, तीन ऑर्बिटल को मिक्स किया है, तो 3 sp2, देख 4 सिग्मा ना, तो एक तो रहा एस और तीन क्या मिक्स किया आपने, पी, तीन क्या मिक्स किया, पी, तो 4 तो sp3, 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2 और 2 सिग्मा तो sp। तो आपका सिर्फ अभी का टारगेट क्या है, अगर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे अपन 5 आवर्स और मोर देन दैट, बट फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि अगर 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं क्या, ज्योमेट्री। जैसे BeCl2 है तो यहाँ पे एटम का किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा, उसका क्या शेप रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, BeCl2 को ये लीनियर एक कंपाउंड दिखता है अपने को। इन कंपाउंड में जो अरेंजमेंट होता है बेटा एटम का, वो कैसा होता है, लीनियर। जबकि आप देखें BF3 को, जबकि आप किसको देखें, BF3 को, वहां पे आपको कंपाउंड कैसा दिखता है, इस तरह का कंपाउंड दिखता है कि सर ये कैसे पता लगा आपको कि ये कंपाउंड इस तरह से और ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, तो फिलहाल आप सिर्फ क्या फाइंड करेंगे कंपाउंड में, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, समझते हैं अभी। BeCl2 की अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो बेरिलियम में जो सेंट्रल एटम है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या देखेंगे अपन, 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp। पर अगर sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो उसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। लीनियर मतलब ये समझ रहा है, 180 बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ये भी पूछ लेते कई बार बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल 180 है, तीनों जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेंगे, इस तरह से लीनियर उनका अरेंजमेंट। हमसे पूछा है BF3 में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करो, तो हम क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1, 2, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2, समझ रहा है, एक s और 2 p ना, इसलिए 3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो उसका शेप क्या रहेगा, ट्राइंगल प्लेनर दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है अभी। और प्लेनर का क्या मतलब है कि ये सभी एटम जो है ना सेम प्लेन में, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये बोरोन क्या है, सभी सेम प्लेन में, एंड सो ऑन। 4 सिग्मा तो sp3, sp3 तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आपका सिर्फ फिलहाल इतनी सी बात याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर देंगे, दैट्स इट। डिटेल में फिलहाल अभी नहीं जा रहे पर। तो जैसे कि यहाँ पे फाइंड कैसे कर लेते हैं, ये वाले एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, ट्राई। तो देखो यहाँ पे थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। जैसे कि हमसे पूछा है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड। इस वाले को पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इसका वो लिख रहे हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे इस तरह से, CH2 ना, 2 हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, ये कार्बन। फिर इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। पूछा है यहाँ पे दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले कार्बन पे फोकस करना अभी, इस पे, एक सेकेंड, इस वाले कार्बन पे देख, यहाँ पे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2, डबल बॉन्ड ना, एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 सिग्मा। अभी अभी याद रखना है क्या, 3 सिग्मा तो sp2, समझ में आ रहा है। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा है इसने, sp2। इस वाले कार्बन पे फोकस करते, इस वाले यहाँ पे इसने ये सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई ना, तो सिग्मा ये, और यहाँ पे ये वाला सिग्मा,
टू सिग्मा तो एसपी, तो टू सिग्मा तो एसपी, समझ गया। यहाँ पे सब जगह कार्बन का हाइब्रिडाइज एक्सप्लेन किया इसने। अभी थोड़ा फास्ट कर सकते क्या अपन, बोलो यहाँ पे इस कार्बन ने क्या डबल बॉन्ड बना रखा है क्या? नहीं ना, सिंगल बॉन्ड है ना, ये भी सिग्मा और तीन सिग्मा, फोर सिग्मा तो sp3। देख यहाँ पे इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है ये वाला, बाकी मतलब सारे सिग्मा होंगे। कार्बन के पास टोटल बॉन्ड तो कितने होते हैं, फोर ना। अब एक सिग्मा बना रखे थे यानी कि थ्री सिग्मा रहे होंगे, थ्री सिग्मा तो sp2। इस वाले कार्बन ने भी देखे हैं तो यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड है, बाकी तो सारे सिग्मा है ना, तो sp2। जैसे कि इस वाले पे फोकस करते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बेटा, वन टू थ्री, थ्री सिग्मा तो sp2, समझ रहा। इसका भी sp3 और इसका भी sp3, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके आपने उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन किया। ऋषभ ने पूछा है सर, कैंट वी पुट हाइड्रोजन इन फर्स्ट केस इन प्लेन, देन व्हाई यू पुट इन ट्रायंगल? बेटा यहाँ पे इसका जो शेप रहेगा ना, इसी कंपाउंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं दोबारा से, ये वाला अच्छा एक्सप्लेन लिखा तो है ना यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते पेन का। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कंपाउंड है ना, तो इस वाले कार यहाँ पे इसने ड्रॉ नहीं किया है, पहली बात जो आप बोल रहे हो ना क्या ऋषभ, यहाँ पे तो सिर्फ इसने हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन किया है, ज्योमेट्री इन्होंने नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ज्योमेट्री अलग से लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने शायद ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर दिया उसका। देख यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में इस वाले कार्बन पे फोकस करो, इस पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अच्छा किसी ने याद किया हो थोड़ा सा भी, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे शेप क्या रहेगा, लीनियर। तो यहाँ पे देख ये वाला कार्बन है ना ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाला, ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाला ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे इसका लीनियर शेप होना चाहिए ना, तो लीनियर ही तो दिख रहा है। देख यहाँ पे तीनों, ये वाला एटम, ये एटम और ये एटम, क्या लीनियर नहीं है क्या, है ना, है। अब यहाँ पे इस पे वाले फोकस पर, इस वाले कार्बन पर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अच्छा sp2 में कि सर शेप होता है ट्राइगनल प्लेनर, ट्राइगनल प्लेनर ना, तो यहाँ पे देख है भी सही ट्राइगनल प्लेनर, कौन सा, ये वाला, ये देख क्या यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन रहा क्या। और ये जो कार्बन एटम है ना, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में है। अच्छा ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये ऑक्सीजन एटम भी क्या है, सेम प्लेन में। डेट बॉक्स में लिखा है किसी ने, ओके ठीक है बेटा, तो फिलहाल जो है ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे शेप नहीं लिखा है, बस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे जल्दी से फाइंड करते हैं इस कार्बन का, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे, टू सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड ना, एक सिग्मा और दो पाए, तो टू सिग्मा तो sp, समझा भी। इस वाले पे फोकस करते हैं जल्दी से, इसका क्या रहेगा, sp2। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही तो पाए बना रखा है इसने भी, है ना, ये पाए इसमें भी है और ये पाए इसके लिए भी है, तो दोनों का ही क्या हो गया, sp2। पूछा है बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, तो बेंजीन में देखो कोई भी एटम उठा ले, यहाँ पे देखो इसने तीन बॉन्ड बना रखे ना बेटा, वन टू थ्री, यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, इसलिए उसने अलग से लिखा उसको हाइड्रोजन को, समझ में रहेगा आपके समझने के लिए कि हर जगह पे एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो इस वाले कार्बन पे फोकस करते ना, इस पर देख इसने एक ही तो, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, पाए बॉन्ड में ये सिग्मा और एक पाए, तो कितने सिग्मा बना रखे, थ्री, तो थ्री तो sp2, यानी कि बेंजीन में सब कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपका अभी टारगेट क्या है, जैसे इस कंपाउंड में पूछा है आपसे, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, जो भी इसका आंसर, अभी कॉपी पेन रखें साथ में, पूछा है इसने क्या, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपसे पूछा है इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो पहले तो पूरे कंपाउंड को हिंट दे देता हूं मैं, एक्सपांड करके लिखो इसको, इसका कौन सा फॉर्मूला बनाए आप, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, हिंट दे रहा हूं मैं, वो बना सबसे पहले, फिर उसको जैसे बनाएंगे तो सिग्मा और पाई बॉन्ड फिर काउंट करने में आसान रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने इस कंपाउंड में, दूसरा क्वेश्चन है
सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख दे इसके सिर पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा कि कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, कि सिर्फ सारे कार्बन क्या sp है, क्या क्या sp और sp2 भी है, क्या क्या sp3 भी है, क्या, और इसने अलग से ही पूछा है ये जो स्टार मार्क कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप तो काम करो ना, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और सभी का हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप स्टार्ट करें कॉपी पेन। इसका सॉल्यूशन मेरे पास यहीं पे है तो मैं शो कर दूंगा। सिर्फ आप सिग्मा और पाई बॉन्ड तो लिखो इसमें चैट बॉक्स में तब तक। हाँ, संभव का आंसर है 7 सिग्मा 3 पाई। अच्छा, मेरे को आंसर नहीं बोलना था ना, बाकी स्टूडेंट करेंगे नहीं ट्राई। हाँ, फिर भी ट्राई करो, हो सकता है इनका आंसर होगा ना, जरूरी नहीं है। फिर पूछा है साथ ही साथ उसने हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका क्या होगा। हाँ बोलो दामिनी, हाँ इसमें लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जो दामिनी आप जिन्होंने रेज किया है। sp2 6 सिग्मा भी आया किसी का आंसर वैसे। पूनम का आंसर है sp2 sp2 sp2। हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड करें उसके बाद। 2 सिग्मा तो sp, 3 सिग्मा तो sp2, 4 सिग्मा तो sp3। जैसे इस कार्बन ने 2 सिग्मा बना रखे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, इस तरह से। ठीक है, कई सभी का आंसर sp। ठीक है, कई स्टूडेंट आंसर किए करेक्ट भी है। तो फाइनली मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखे इसने एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखा है और एक्सप्लेन भी किया है। तो देखो जिसको डाउट है थोड़ा फास्ट, इस वाले कार्बन को उठाए क्या, इस वाले में पहले मैं क्या बोला, एक्सटेंडेड फॉर्मूला बना, सबका समझ में आ रहा है एक्सटेंडेड बनाने का क्या मतलब है। इस कार्बन का हाइड्रोजन देखो उसने अलग से लिख दिया नीचे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको अलग से लिख दिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना। अब ये बन गया, अब हो गया काम आसान। बस इसका याद रखो, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो 2 पाई तो यहाँ मिल गया, 1 पाई यहाँ पे मिल गया, तो पाई बॉन्ड तो कितने हो गए, 3 टोटल। मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है 3 पाई बॉन्ड। सिग्मा तो काउंट कर लो ना सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 है ना, दिख रहा है अभी सबको ना, सिग्मा सिग्मा 7 सिग्मा। अब हर कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर रहा हूँ ना, देखिए इस वाले पे फोकस करते, इस वाले पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 4 बना रखे इसने। अब ये तो ट्रिपल बॉन्ड था ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो सिर्फ 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा तो sp, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले पे फोकस करते, इस वाले पे इसने भी बॉन्ड तो 4 बना रखे बट सिग्मा सिर्फ 1 और 1, यहाँ पे 2 सिग्मा तो sp, इसका भी क्या sp, इस पे फोकस करते इसको। देख इसने 1 सिग्मा तो बना रखा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बना रखा है यहाँ पे और 1 सिग्मा बना रखा है यहाँ पे, तो 3 सिग्मा 3 सिग्मा तो sp2 एंड सो ऑन। इस वाले कार्बन पे अगर फोकस करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा तो sp2।
ठीक है, तो सारे के सारे एसपी, ये दोनों तो एसपी वाले और ये दोनों एसपी टू वाले। तो उसने सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा था कि हाउ मेनी टाइप, तो टाइप कौन कौन से हैं, कुछ तो है एसपी टू वाले और कुछ है एसपी वाले। उसने पूछा था मार्क जो कार्बन है जिनके ऊपर स्टार है, तो इस पे स्टार वाले पे क्या है एसपी टू और दूसरे वाले स्टार पे क्या है एसपी, स्टार ये वाले ना, एक स्टार तो कहां पे था, इस पे था, तो ये तो क्या हो गया एसपी टू, और एक स्टार इस पे था, इस पे क्या है एसपी, तो एसपी टू और एसपी। ये सेम क्वेश्चन इन्होंने एनसीईआरटी में भी पूछा है, ठीक है, जैसे कि इनको शायद यहाँ यहाँ पे ट्राई करेंगे कि होमवर्क दे दे पर। जैसे कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है बेटा, है जैसे कंपाउंड दिया, उसने पूछा इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। अच्छा इसने देखो अलग अलग से थोड़ा डिफाइन किया और अच्छे से, कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है ना, कि कार्बन कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि इस एग्जांपल को उठा लेते हैं ना, बी वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करना है क्या आसान है वैसे तो, कुछ दिक्कत है नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला और ये कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाए ना, ये तो सिग्मा और एक पाए, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाए, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा, तो सिग्मा कितने हो गए बोलो, 1 2 3, 3 सिग्मा तो कार्बन कार्बन के बीच में है ना। अच्छा पाई बॉन्ड कहां पे, पाई बॉन्ड यहां पे, ये रहा एक सेकंड, एक पाई बॉन्ड तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच, एक पाई बॉन्ड यहां पे कार्बन कार्बन के बीच, तो देख यहां पे पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है, ये लिखा देख, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, कितने हैं 2 है ना, एक यहां पे और एक यहां पे, तो 2 पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा कार्बन से हाइड्रोजन भी तो कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, तो तीनों हाइड्रोजन 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 सिग्मा, तो कार्बन हाइड्रोजन वाले 6 सिग्मा 6, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर वो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, जैसे कि इस वाले कंपाउंड को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा भी आइडिया लेना आप, जो CN है ना साइनाइड, इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा साइनाइड का, वो पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा, वो हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइनाइड को लिखते हैं आप इस तरह से, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड। अच्छा जब कार्बन ने नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बना लिया है, तो सिर्फ कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 1। अच्छा इस कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन, ये कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे क्या रहा है कार्बन। अच्छा इस कार्बन पे क्या कनेक्टेड है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है बेटा 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो हमसे उसने पूछा है सी वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ना, तो इस वाले पे कार्बन पे फोकस करते हैं, इस पे इस वाले। इसने देखो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड ये वाला और 1 सिग्मा बॉन्ड ये वाला, 2 सिग्मा, तो आंसर क्या हो गया डायरेक्ट हमारा एसपी। और इस वाले कार्बन पे फोकस करते हैं अभी, इस वाले कितने सिग्मा बना रखे देख, 1 2 3 4, 4 सिग्मा तो बोलो एसपी थ्री ना, यहाँ पे देख एक तो है एसपी थ्री और दूसरा है एसपी। तो आप आंसर इसका कब कर पा रहे हैं, जब आपको पता हो, समझ में आ रही बात। जैसे कि ये जो है CO है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से C डबल बॉन्ड O, तो ये थोड़ा सा एक आइडिया ले लो एनसीईआरटी में ना एक बार। तो एनसीईआरटी में एक काम करो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके शुरू वाले 5, ये जो प्रॉब्लम है ना 12.3 तक, यहाँ पे थ्योरी स्टडी कर ले, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ ना, इन नोट्स को एज इट इज आप कॉपी में लिखो, अच्छा आपकी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट होने वाली, ओके देन थैंक यू है ना। अब अच्छा अपन टाइम एक्सटेंड कर दिया थोड़ा, ठीक है बाय। तो आपका होमवर्क यही है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप